मामला ये हुआ कि एक मेरी पुत्री के नाम से लाइसेंसी शॉप है, जो दलित महिला व्यवसायी, जो गवर्नमेंट भी कहती है कि महिलाओं को आगे आने दिया जाए, महिलाओं के नाम से व्यापार किया जाए, आज महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया। एक तो दलित, ऊपर से महिला, और गवर्नमेंट भी कुछ सुनवाई नहीं करी। कल मेरे ठेके को लूट लिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, और जबकि गवर्नमेंट का 75% अप्रूव्ड, जो 75 अप्रूव्ड आबकारी नीति के तहत होता है, मेरे पास अप्रूव्ड आबकारी ठेका है। गवर्नमेंट को राजस्व देने के लिए मैं आया हूँ, ये साथ में राजस्व की हानि पर डे की हो रही है, इसका जवाबदार कौन है? आज मेरी बच्ची के नाम से 25 लाख रुपए की सीधी राजस्व चढ़ चुका है। अभी तक हमने इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे तो ये बच्ची का करियर अलग से खराब हो जाएगा, किस तरह से हम राजस्व गवर्नमेंट को दे पाएंगे? सर कल पूरा मामला बताओ, कल क्या पूरा मामला ये था कि हम लोग ADM ऑफिस में वार्ता कर रहे थे, कलेक्टर महोदय के निर्देश पे दोनों पक्षों को बुलाया गया था सुलह के लिए। अब हम एक तरफ तो अंदर सुलह कर रहे हैं, पीछे से उनके आदमी जो सुलह करने आए वो पीछे से ठेके में लूटफूट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे भी जान से मार दिया जाता। ऐसे में अभी आप SP साहब से मिले हो, आपको क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है, और क्योंकि राजस्व हानि हो रही है तो गवर्नमेंट का ही मामला है, इसलिए राज्य सरकार के साथ ये कह रहे हैं भरसक प्रयास करके हम आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे और आपके साथ कोई अनहोनी होने से रोकेंगे। जैसा कि आपने आबकारी अधिकारी से बात की या SP साहब से भी मिले हो, अग्रिम आग अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या आदेश? देखो साहब, इस तरह से तो हमारे को मरना ही पड़ेगा, कारण कि लोग हमारे 35 से 40 लाख रुपए तो हमने एडवांस जमा कर रखे हैं, आज पैसा नहीं, थोड़ा नहीं लगता आबकारी में।